फार्म में इसमें अच्छी बढ़िया पैदा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी ने इतना सब कुछ होगा नया है। उनको काल जो कमजोर है जिसका फार्म का खेती करनी छोड़ देंगे, अगर गाय भैंस भी वाणियों बकरी भी वाह तो बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिलहाल मैं आया हूँ फरटिया गांव में जो लुहारू के पास में स्थित है हरियाणा में। यहाँ पर एक भाई ने जो खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ में इन्होंने बकरी पालन शुरू किया है। और जो कुछ बंदे पूछते हैं कि कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए, कोई 5 बताता है, कोई 10, कोई 20, लेकिन इन्होंने स्टार्ट में ही 150 बकरियों से फार्म शुरू किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बकरी पालन करने की कैसे सोची और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू में कैसे कर दिया, क्योंकि लोग बकरी फार्म में इन्वेस्ट करने से काफ़ी डरते हैं और इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बकरी फार्म में किया है। तो हम इनसे इनके बारे में जानेंगे और आइए मैं आपको फार्मर से मिलवाता हूँ और इनकी जो बकरियाँ हैं वो आपको दिखाता हूँ। गिरना जाओ ताऊ जी। हाँ अड़े सिस्टम के अनुसार ही दिख जाएंगे आराम से। बस आड़सी क्या जाओ। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। एड्रेस प्रॉपर यहाँ का? एड्रेस तो है फरटिया घेर और फार्म का नाम है रॉयल गोट फार्म, तहसील लुहारू। तहसील लुहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो आपने कितना दिन है फार्म शुरू किए? हो गया 3-1 महीना हो गया भाई। 3 महीने हो गए। तो आपने खेती के साथ साथ शुरू किया है? पहले खेती करो? खेती के साथ पहले खेती करता था। अच्छा, तो बकरी फार्म की कैसे सोची आपने? बकरी फार्म की नहीं सोच ली, खेती में तो गणी थी कि खास बचत कौन रही, खर्चा गया बढ़ भाई क्या ही के सारे काट डाल। अच्छा, इब न्यू है बकरी फार्म में इसमें अच्छी बढ़िया पैदा है। खेती के साथ साथ चली जाए? खेती के साथ साथ यो भी हो जाए तो न्यू है कि सारे गुजारो हो जाए। अच्छा, तो जैसे आप मैं बकरी फार्म पर जाऊँ हूँ और लगभग विजिट करूँ, आप जो अपना आसपास फार्म है वह भी दूर भी, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी ने कौन करे हो? कोई 10 तक शुरू कर लिया, कोई 20 तक, तो आपने इतना बड़ा शुरू में कैसे कर दियो? तो यूं कर लियो ना, छोटे में तो देखो ये तो एक आम सी सोचने की बात है, अगर 1 किलो चून होगा तो 3 आदमी ही रोटी बनेंगी। हाँ सही है। और ब्याह शादी में तो बोरी चाहिए पूरी। हाँ भाई, मारो तो गुजारो तो कोई हो रहा है हमें 15-10-20 में। अच्छा, कभी 100-150 हूँ तो उनका सारा किम गुजारो है। अच्छा, तो इसमें आपने पहले भी पाली है बकरी इससे पहले? ना, इससे पहले तो भैंस गा बिल्कुल नया है इसमें, सब्जी वगैरह ये करीब, मेहनत करांगा सब कुछ होगा, नया है बिल्कुल। तो लगभग ये मानो फार्म 50% फेल हो जाए तो आपने ऑर्डर भी कोनी की भाई इतना आप इन्वेस्ट कर दिए? मेहनत उनको कागजो कमजोर है जिसका फार्म फेल हो, कागजा कमजोर है, मेहनत विश्वास नहीं है अपने आप पर, धैर्य को नहीं रुकने को। अच्छा, अगर मेहनत करेगो तो फल मालिक उसने जरूर देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सही। हाँ, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो उनका कोई चानस ही को नहीं। अगर खेती करता है आपकी सारी उम्र आपकी करी आपने बटका करी, अगर यूं मानो अगर 1 साल ओला पड़ गया तो हम खेती करनी छोड़ देंगे। हाँ सही है, अगली बार फिर करांगे, फिर करांगे, फिर करांगे, कदे जड्डो मारेगो, कदे ओला मारेगा, कदे घाम मारेगो। तो यही खेती है, देखन देखी कर ले हेर फिर। खेती के साथ या बीमारी खेती है, मर गया वो, हां मर गया मर गया। भाई खेती के साथ खेती है अभी, सही है, खेती भी करांगा और वो भी हम खेती कर रहे हैं। किस टाइप की बकरियां आपने शुरू करे शुरू में भाई? बच्चा ले आए हो? गुजरी नहीं, नस्ल तो गुजरी लाया हो, जैसे भाई बच्चा लाया था कि गैबन लाया था? बकरी लाया। अच्छा, गैबन ही टोटल है? हाँ, लगभग न्यू मान ले 35-36 बकरी गैबन वाले। अच्छा, और कौन कौन सी नस्ल की हैं? अब नस्ल है मारकने, गुजरी, बीटल, सोजत और सरोई, चार नस्ल। चार ब्रीड है आपका? चार। तो आप मतलब चार ब्रीड पे काम कर रहे हो, तो सबसे बढ़िया कौन सी लगी आपने इनमें ज्यादा बेनिफिट देने वाली? ज्यादा तो हमने क्या लगे भाई, आपने लगभग ज्यादा दिन तो कोना है, 4 महीना हो गया इनमें? 4 महीना में हमने मतलब बच्चों ग्रोथ ज्यादा करे या बिटल ग्रोथ ज्यादा करे? अच्छा, क्योंकि
बकरी के ऊपर खर्चो तो वो ही आओगे, चाहे कोई बकरी भी आप ही एवरेज लगाओ आप, मतलब 15 दिन को खा, न तो बीटल भी 15 रुपया कोई खा के दिन को, और सिरोही भी सोजत भी, ग्रोथ ज्यादा, लेकिन ग्रोथ ज्यादा इसमें है बीटल में। अच्छा, और दूध वगैरह इनको घर न काम में ले, बेचो वगैरह हो या बच्चा नहीं पिला दे सर, बच्चों को सब बाहर को ले जाओ फार्म थे, कोई हरी बीमारी आला कोई ले गया पाई वाद छेड़ तो उससे पैसे नहीं लेते, वह तो भाई दूसरी बात है, ले जाओ भाई, क्यों आजकल प्लेट डाउन बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बीमारी चल रही है तो वह फार्म पर से ले जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। सरोही तो हम एक तो शुरुआत करी है, वो बकरी बैठी, दो बच्चे हैं उसके, और लिया कड़ छोए अपना आस पास से ले ही बाहर के, सरोही तो यहाँ से लाए सतनाली के पास से, गोपड़वास से। अच्छा, और ये सोजत पूरे लोहारो पर रघुवीर जी कन लाए हो, अच्छा, हाँ, और ये गुजरी जयपुर से, जयपुर साइड से, अच्छा। अब कुछ लोग आजकल नया शुरू करे हैं तो वह मतलब ट्रेनिंग भी ले हैं, आपने ली है कहाँ पर? रघुवीर कन, ये तो भाई किसान है, हाँ किसान है, लेकिन इनने क्या साल हो गया फार्म करे, नहीं जो ट्रेन है सर्टिफिकेट को नहीं, हमारे से ट्रेन नहीं, थोड़ा है। थोड़ा सा पीछे लो, नहीं आजकल जैसे सतीश जी मैं बताऊं, वो है मतलब एमपी में सीआईआरजी मथुरा उड़ेस इसकी ट्रेनिंग सेंटर है, और उसका हर बार भी खूब लोगन कर रखा है, उड़ा वही 5-6 दिन की ट्रेनिंग दी है और 6,000 रुपए ले ली है, तो पैसा लेने को रहा है, हाँ दुकान है, जमींदार पे बात तो दुकान होगी, जमींदारों करनी हो अगर गाय भैंस भी वाणी हो बकरी भी वाओगे तो बढ़िया ट्रेनिंग के हो, हाँ। जो गाय भैंस जो पालता है ना अपने दिल पर विश्वास करके करो, जो भी धंधा करना है कभी ट्रेनिंग पे, मैं दो लाइन बता दूं आपको, ट्रेनिंग का क्या है कि ट्रेनिंग तो एक किताबी ज्ञान है, प्रश्न उत्तर वो वहाँ पढ़ा देंगे, अब किसी ने MBBS कर ली सर, वो सुई भी नहीं लगा सकता, हाँ, हाथ कांपने लग जाते हैं, तो प्रैक्टिकल वो मरीज कन जागो जिते प्रैक्टिकल होगो, जब उसको प्रैक्टिकल करेगा ना वो मरीज के पास, तब वो उसको वो डॉक्टर बनेगा, केवल किताब में पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनता, यहाँ जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है ना उससे डॉक्टर बनता है। अब इनकी बकरी को कोई बुखार हो गया, अरे मैंने इसको बता दिया या किसी डॉक्टर से इन्होंने पूछ लिया, मेलोनेक्स लगा दो 3 ml, तो 3 ml इन्होंने लगा दिया, अगली बार इनको पूछने की जरूरत ही नहीं है, यही मैं मेरे वीडियो में बताना चाहूँ की भाई जो तो पाली है जी, तो वो ट्रेनिंग तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इनको सिर्फ गदड़ चिट्ठा है ना, एक वो ट्रेन है वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो बकरी को साइड में ऐसे देखकर बता देते हैं, बकरी उदास है अंकल जी, इसको मैं गोली देता हूँ या फलाना टिक्का देता हूँ, तो आप भी संभालो फार्म ने, टोटल इनके ऊपर ही निर्भर हो, संभालते हैं सुबह शाम यही रहते हैं इसके अंदर। अच्छा, मतलब फार्म फैल होने को यो भी एक कारण है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मजदूर पर छोड़ दिया तो फैल होने का चांस नॉर्मल हो जाए, खुद फार्म ने संभाल रहे कौन, टोटल मजदूर पर निर्भर, सुबह शाम मैं रहा, अच्छा एक लड़का एक मैं, हम दोनों में रहते हैं, अच्छा और घुमाओ भी होगी इन बार, घुमा के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, अच्छा बाहर घुमा के लाते हैं, और फिर यही चारा डाल देते हैं, सुखो चारो दे के दे रहे हो फिलहाल, सुखो चारो दे रहे हैं फिलहाल, चने इसका गुवार का न्याल, अच्छा और अपने जो लूंग है ये थोड़ा शाम को थोड़ा थोड़ा अनाज भी, अच्छा हाँ अनाज अभी तो गेहूँ चलता है, बाजरा शुरू नहीं हुआ है, तो वैसे दलियो बना के दे हो या? दलियो बना के भी देती है कभी कभी, साबत भी दो गेहूं का, साबत सब बाहर को निकाले, साबत पर जम हो जाए, साबत जम हो जाए, बिल्कुल उगाड़ की ये ऊंट की तरह बहुत ज्यादा उगाड़ी करती है, और मुर्गा भी देख रहे हैं आपका एक दो घूमता, तो ये इसके लिए मतलब फार्म में गंदगी वगैरह कोई जू जइया वगैरह ये नहीं हो इसके लिए, और आगे फिलहाल आप मार्केटिंग कैसे करोगे इनकी, जैसे बकरी बेचोगे या ईद के ऊपर तैयार करोगे? नहीं बकरी नहीं बेचेंगे, हमारी है बहुत लंबी स्कीम है अभी, अच्छा बहुत बड़ा फार्म करने की स्कीम है, ईद के ऊपर बच्चा बच्चों का, बच्चे 20-30 बच्चे तैयार करेंगे, और बकरी वैसे फार्म बढ़ाने खतर रखी जाओगे, फार्म बढ़ाने के लिए बकरी बढ़ती ही रहेगी, और ब्रीडर भी आपका ना हर नस्ल को अलग है, हर नस्ल का अलग अलग ब्रीडर, हर नस्ल का, और शेड के ऊपर लगभग कितना खर्चा कर दिया आपने? शेड पर हो गए होंगे जी 7-8 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए, हाँ। तो आपने टैन डाली है इनकी जगह, आपने जैसे पानी का पोड़ा हुए हैं वह भी तो यूज हो सके, खर्चो कम हो जाए किसान को, ना ना खर्चो तो वो न्यू है ना, अगर जो आम रास्ता है जाने का, बीड़ी पीने वाला अगर बीड़ी पी के ऐसे फेंक गया
हवा का गोट आ गया और वो उड़की ने रे टट्टे के लाग गई तो मारे तो सारा ही दिन अड़ा है। अलग अलग सिस्टम है जी सभी का, कोई तो त्रिपाल लगा के अपने बकरी हाँ। लगाते हैं, कोई टेन लगा नहीं नहीं वो मतलब टेन में अपनी सुविधा अपनी सुविधा में दिक्कत को नहीं आ अपनी सुविधा के हिसाब से आग की दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। इसके ऊपर यदि ज्यादा कोई जरूरत हुई तो इसके ऊपर कोई हाँ लगा देंगे बोरी वगैरह या कोई पन्नी वगैरह नहीं बोरी वगैरह इसके ऊपर सर्दी सर्दी वो कर देंगे डाल देंगे ज्यादा महसूस हुई ना भी हाँ, तो कड़वी डाल देंगे। जैसे अपने मतलब अपना एरिया कड़वी लगा लो जो युवा है मेरे वर्ग वो पढ़ ले रोक नौकरी आजकल हो रही है कम है तो बाहर कंपनियां जाए 10-12 हजार की नौकरी करी है उससे ठीक है। 10 बकरी पाल लो 10 बकरी 10,000 रुपया उन गरीब बैठे दे दी। लेकिन उनका एक दिक्कत है की भाई मतलब लोग ताना मारे भाई इतना पढ़ लियो रहे कास्ट को हो गिर बकरी पाल रहे हैं लोग ताना क्यों मारे हैं चीज का। देखो ये सहन करो एमबीबीएस पाली है मेरा अरे महिपाल बारा ये एमबीबीएस लड़का है। अच्छा नौकरी कर रहा है आपके फार्म पर झारखंड से ये 8,000 में नौकरी कर रहा है मतलब अपना बंदा बाहर जाके नौकरी करी कंपनी में उससे ठीक है वो काम है घणु बढ़िया है 10 बकरिया में भी फायदे में है। अच्छा हाँ ठीक है साहब धन्यवाद।